25 ओवर और 5 गेंदों पर क्लीन बोल्ड हो गई थी केकेआर की। लेकिन यहां पर हुआ कुछ ऐसा जिसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे। मुंबई इंडियंस के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज कोई 13 तो कोई 24 तो कोई 31 पर आउट होते हुए चले गए, जहां पर केकेआर ने काफी बेहतरीन विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से यमाई के गेंदबाज और कप्तान को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यमाई के कप्तान ने हार्दिक पांड्या को जमकर के दौड़ाला और केकेआर ने जीत हासिल कर ली। आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में अब काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। केकेआर की जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में आप सभी को बता दें हड़कंप मच गया है। यमाई की टीम जो तीसरे चौथे नंबर पर थी वो आकर के 9 नंबर पर गिर चुकी है। जो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन सी टीम कितने नंबर पर उपलब्ध है, किस टीम के पास कितना नेट रन रेट है और किस टीम के पास कितने पॉइंट्स हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर टीम है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने अभी तक 10 मैच खेले हैं जिसमें 3 ही मुकाबले जीती है और 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 6 पॉइंट मौजूद हैं। अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो -0.415 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 9वें नंबर पर, तो 9 नंबर पर आ चुकी है एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस, जहां पर लगातार कई मैच हार चुकी है। 11 मुकाबले खेले हैं, 3 ही मुकाबले जीती है और 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस के पास 6 पॉइंट मौजूद हैं। अगर इसके नेट रन रेट की बात करें तो -0.356 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। नंबर 8 पर है जीटी यानी कि गुजरात टाइटल की टीम, जो काफी ज्यादा बेहतरीन टीम थी लेकिन यह भी पूरी की पूरी तरीके से फ्लॉप है। आप सभी को बता दें कि यहां पर एमआई और आरसीबी बिल्कुल नीचे पायदान पर उपलब्ध हैं। 8 नंबर पर गुजरात टाइटल है, जिसने अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत मिली है और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात टाइटल के पास 8 पॉइंट हैं। अगर इसके नेट रन रेट की बात करें तो -1.113 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। नंबर 7 पर है पीवीकेएस यानी कि पंजाब की टीम, जहां पर इसने 10 मैच खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत मिली है, 6 मुकाबलों में हार मिली है और इसके पास 8 पॉइंट है। अगर नेट रन रेट की बात करें तो -0.062 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। नंबर 6 पर है डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल की टीम, जिसने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में जीत मिली और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल के पास 10 पॉइंट मौजूद है। अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो -0.442 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। नंबर 5 पर है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर, जो काफी ज्यादा बेहतरीन आईपीएल 2024 की टीम थी लेकिन लगातार ये भी 5 मुकाबले हार चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 10 मैच खेले हैं, 5 मुकाबले में जीत मिली और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास 10 पॉइंट मौजूद है। अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो +0.627 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। नंबर 4 पर है एसआरएच यानी कि आप सभी को बता दें सनराइज हैदराबाद, जो काफी ज्यादा बेहतरीन टीम है, ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं, जिसने 10 मैच खेले हैं, 6 मुकाबलों में जीत मिली है और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सनराइज हैदराबाद के पास 12 पॉइंट है। नेट रन रेट की बात करें तो +0.072 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। नंबर 3 पर है एलएसजी यानी कि लखनऊ की टीम, जो काफी ज्यादा बेहतर टीम है, 10 मुकाबले खेल चुकी है, 6 जीती है, 4 हारी है और इसके पास 12 पॉइंट मौजूद है। इसका नेट रन रेट +0.094 इसका नेट रन रेट इस समय उपलब्ध है। अब नंबर 2 पर है केकेआर। आईपीएल 2024 की नंबर 2 टीमें टॉप पर चल रही है। नंबर 1 पर आरआर और नंबर 2 पर केकेआर। ये काफी ज्यादा बेहतरीन और विस्फोटक टीमें हैं, जो काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा रही है। नंबर 2 पर केकेआर कोलकाता नाइट राइडर है, जहां पर इसने अभी तक 10 मैच खेले हैं, 7 मुकाबलों में जीत मिली और 3 ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर के पास 14 पॉइंट मौजूद है। अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो +1.098 इसका नेट रन रेट इसमें उपलब्ध है। नंबर 1 पर है आरआर राजस्थान रॉयल्स, जिसने अभी तक 10 मैच खेले हैं, 8 मुकाबलों में जीत मिली है, लगातार 2 मुकाबले हारी है। इसके पास 16 पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा है। अगर हम इसके नेट रन रेट की बात करें तो +0.622 इसका नेट रन रेट है। आईपीएल 2024 की सबसे घटिया टीम है वो है आरसीबी और मुंबई इंडियंस, जो सबसे निचले पायदान पर है और किसी जमाने में ये टीम टॉप नंबर पर हुआ करती थी, लगातार ये मुकाबले अब हारते हुए आ रही है। आप सभी को बता दें 10वें नंबर पर आरसीबी, 9 नंबर पर मुंबई इंडियंस है, 8 नंबर पर गुजरात टाइटल है, 7 नंबर पर पंजाब की टीम है, 6 नंबर पर दिल्ली कैपिटल की टीम है, 5 नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है, 4 नंबर पर यहां पर सनराइज हैदराबाद है, नंबर 3 पर लखनऊ की टीम है, नंबर 2 पर केकेआर कोलकाता नाइट राइडर है, नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी जानकारी, हाईलाइट वीडियो, पॉइंट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।